हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो की स्टार्टिंग हम मॉर्निंग से ही करने जा रहे हैं। हम सब यहाँ पर स्वस्थ हैं, मे बी आप सब भी स्वस्थ होंगे। और ठंड घटने का नाम नहीं ले रही है। और आज मैंने मेन था कि कोशिश की है कि मैं मॉर्निंग से ही अपना रूटीन शेयर कर पाऊँ, तो मैंने बोला भी है क्लिप में कि आज मैं अपना झाड़ू पोछा ये सब दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आदि सो रहा होता है तो नहीं हो पाता है। नाश्ता वगैरह सब हो चुका है, तो मैंने जो भी अभी तक एक्टिविटी की है वो सब मैं ऐड कर रही हूँ। और अगर आपको पसंद आया, इतना ठंडा हो रहा है, नहीं बाहर निकला जा रहा है, और घर में भी आप समझ सकते हो, मतलब सब मेरे जैसे ही हो, लिमिटेड एक्टिविटी ही हो पा रही है। जैसे कपड़े धुलने हैं तो ये नहीं कि हाँ उन्हें दिखाया जा रहा है, फटाफट धुल के डाल दो, बस वायर पे ही दिखाई देते हैं। जैसे कि अभी भी है, मैं नाश्ता भी हो चुका है, झाड़ू पोछा ये सब हो चुका है, कपड़े मैंने डाल दिए हैं, लेकिन आदि की वजह से कि आवाज़ नहीं होनी चाहिए, कुछ भी इस टाइप का नहीं होना चाहिए। तो फिर मुझे लगा चलो एक बार कन्वे हो जाए तो सही रहता है, तो यही कोशिश कर रही हूँ। चलिए तो फिर बने रहिए, जो भी एक्टिविटी मैं ठंड में कर पा रही हूँ। का टाइम है और मुझे लगा चलो आज मॉर्निंग से ही वीडियो क्लिप की स्टार्टिंग करती हूँ। तो फ़ैन के वॉल्यूम को ज़रा इग्नोर कीजिएगा। और मैं झाड़ू पोछा कर चुकी हूँ, नाश्ता बना चुकी हूँ, ये स्कूल जा चुके हैं, तो अभी देख सकते हैं आप, अभी भी थोड़ा गीला है, इसलिए मैंने फ़ैन ऑन किया हुआ है। मुझे लगा चलो आप सबको कभी भी मैं नहीं बताती हूँ कि हाँ मैंने पोछा लगाया, तो आज पोछा दिखाई देती हूँ। और मौसम का हाल आप देख सकते हैं, कितना ज़्यादा फॉग है कि पास वाला घर भी यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है सामने वाला। और इतनी बुरी हालत हो रखी है, इसीलिए आज की फिर से लीव हो गई है कि क्लाइमेट के इशू के लिए छुट्टी है। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, पूरी छत गीली गीली हो रखी है कि जैसे पानी भरा हुआ है। और यहाँ पे जो ये टोकरा रखा हुआ है इसके ऊपर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी भी रुका हुआ है, ये रहा यहाँ पर पानी, तो इतना ज़्यादा ठंडा हो रखा है। हम यहाँ पे आ चुके हैं रूम में और आदि जग चुका है। गुड मॉर्निंग बेबी। और ये देखिए वो कितना अच्छा बच्चा है, एकदम से सही से होके बैठा हुआ है। और जब मैं रूम में एंटर हुई ना, ये कैप लगाने लग रहा था। और अभी आदि ने बोला है मम्मा मेरे लिए ना वेजिटेबल सैंडविच बना दीजिए, बस उसमें होना चाहिए टमाटर और प्याज। तो मैं अभी मम्मी जी को बोल के आती हूँ, क्योंकि ब्रेड तो है ही नहीं और पापा जा चुके हैं, तो ब्रेड कौन लेके आएगा? अम्मा। और आदि को मुझे देना पड़ेगा फ़ोन, तो चलिए अभी मिलते हैं बाद में। और आदि अभी नॉर्मल हो चुका है, हैप्पी हैप्पी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी तैयारी कर रखी है, तो तैयारी किसकी हो रखी है? ये हो रखी है आदि के नाश्ते की तैयारी। और मैंने चार यही ब्रेड मंगा लिए छोटे वाले, क्योंकि वैसे तो हम आटा ब्रेड यूज करते हैं ब्राउन वाले, लेकिन आज वो थी नहीं अभी। और आदि को जिद थी कि मुझे सैंडविच खाना है मम्मा, सैंडविच ही खाना है। तो मैंने देखिए कि यहाँ पे एक टमाटर और प्याज कट कर लिए हैं, यहाँ पे हैं जैसे मैं बनाती हूँ आदि के लिए, म्यूनी सॉस, ओरिगेनो और हल्की सी मिर्च और हल्का काला नमक। तो अभी मैं देखिए आगे क्या करती हूँ, बताती हूँ आप सबको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ना म्यूनी और सॉस, साथ में थोड़े से चिली पाउडर ही डाला, चिली फ्लेक्स नहीं थे, काला नमक और साथ में ओरिगेनो मैंने ऐड करके ना उनका पेस्ट टाइप से बना दिया, मिक्स कर दिया और ऐसे ब्रेड की स्लाइस पे लगा दिया, चारों ब्रेड पे। और फिर ऊपर से लगा दिया मैंने टमाटर प्याज और हल्का सा ये सिंपल नमक लगाया है। और अब मैं इन दोनों को ऐसे बंद करके रख देती हूँ। और फिर मैंने तवे पे रख दिया है, मतलब गैस पे रख दिया है तवा, और यहाँ पे घी गर्म होने के लिए छोड़ा हुआ है। तो अब मैं इनको तवे पे वन बाय वन रख दूँगी और सेक के आदि को सर्व करूँगी। और उधर मैंने ठंडी ज़्यादा हो रही है ना, तो हल्के से दूध में डाल दिया, क्योंकि वो डायरेक्ट दूध नहीं पीता है ना बच्चा, तो मैंने डाल दिया हल्का सा कॉफ़ी।
और बोला हाँ मम्मा कॉफ़ी मैं पी लूँगी। तो बच्चों को कई बार ना ऐसे साथ में लगाना पड़ता है, और मैंने कभी भी अद्विक को मतलब सिंपल ब्रेड खाने को नहीं देती हूँ। बहुत ही अगर चुपके से उठा ले वो खुद से तो बात अलग है, वरना मैं उसे ना, आज मेरे पास और कोई वेजिटेबल नहीं थी, आलू भी बॉयल नहीं है अभी, और उसने बोला मम्मा मुझे तो सैंडविच ही खाना है, और अगर कई बार सब्जी होती है तो मैं सब्जी भी फिल कर देती हूँ, ऐसा नहीं है। तो अभी मैंने फिर जल्दी से टमाटर प्याज वाला ही बना दिया है, और घी बहुत ज़्यादा डल गया था तो मैंने ये वाला भी रख दिया है साथ में, और हैप्पी हैप्पी हो जाएगा आदि अब, क्योंकि उसको उसकी डिमांड का नाश्ता मिल गया है। और कभी कभी होता है, एक आपने देखा होगा मैं बनाती भी कम ही हूँ सैंडविच वगैरह, तो ऐसे ही मैं बड़ों के लिए बनाती हूँ, और ऐसे ही आदि मतलब वही आदत होगी आदि को, जब पापा को और मतलब बाकी सबको खाते देखता है, अगर ककम्बर और होता तो वो और ऐड कर देती मैं। तो चलिए अभी चलते हैं आदि को सर्व करते हैं। देख सकते हैं आप आदि का नाश्ता रेडी हो गया है, और उसे एक सैंडविच पे स्माइली ज़रूर चाहिए होती है। और मैंने आपको बताया था ये स्कूल गए हैं तो हमारा नाश्ता ऑलरेडी हो चुका है, मम्मी पापा का भी और हमारा भी, लेकिन आदि के लिए स्पेशली ये करना पड़ा। तो और कौन कौन है बच्चों के लिए ऐसे पापड़ बेलते हैं, तो चलिए उसे सर्व कर देते हैं देर ना करते हुए, वो वेट कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आदि को ना रोना आ रहा है। रोना क्यों आ रहा है, उसे फ़ोन चाहिए होता है नाश्ते के साथ साथ, उसे फ़ोन भी चाहिए। तो चलिए मैं आप सब से बाद में बात करती हूँ, अभी वीडियो क्लिप बाद में लेंगे, पहले आदि को नाश्ता करा देते हैं। आप देख सकते हैं मैंने बना दी है आलू गाजर की सब्जी, और साथ में लगा के रख दिया है आटा। और जब अब आएंगे अद्विक के डैडी तब हम खाना, बस रोटी रोटी सेकनी रहती है। यहाँ पे आप अद्विक को देख सकते हैं, खैर ठंडू को देखते हुए वो बहुत सही बैठा हुआ है। मैंने उसके कपड़े चेंज किए हैं क्योंकि ठंड है, तो कपड़े और बढ़ा दिए हैं। और साथ में मैं फ्राई करूँगी कढ़ी, और अभी मैं उठा के लाती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ले आई हूँ मूंगफली और गुड़ की गज्जक, और अब मैं इन्हें बैठ के इंजॉय करती हूँ और आदि को भी खिलाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं बाद में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पैन में घी डाल के जीरा डाल दिया है, और हम बनाने कैसे जा रहे हैं आप जब देखोगे तो शॉकिंग हो जाओगे। बाबा रे, आप सब भी बोलोगे बच्चा है कि क्या आफत है। और अभी अभी मूंगफली खाने के बाद मुझे ऑर्डर दिया गया है, मम्मी आप एक काम करो मेरे लिए ना, आप जो खिचड़ी बनाते हो आपने जो मिला के रखी हुई है वो ले आओ। तो अभी मैं बना नहीं रही हूँ, ये थोड़ी सी खिचड़ी रखी हुई है जिसको मैं घी और जीरा डाल के ना फ्राई कर रही हूँ। और आदि भैया ने फिर डिमांड की है मुझे खिचड़ी खानी है, तो लंच टाइम हो तो फिर खिचड़ी की याद आ गई है। और भाई मुझे मेरी फैमिली में है एक कैंडिडेट है तो उसकी याद आती है, और जिनको पता है वो समझ गए होंगे मैं किसका नाम लेना चाह रही हूँ, पर मैं यहाँ पे नाम किसी का नहीं लूँगी। इस टाइप की एक्टिविटी किस कैंडिडेट की है ज़रा वो अपने आप को एक बार मिरर में ज़रूर देख लेना कि एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हो कि हाँ यही खाना है और खाते जाना है। ये ले ली है मैंने आदि की खिचड़ी, और इसमें घी भी दे दिया है, और देख सकते हो आप मैंने अच्छे वाली फ्राई करी है, अच्छे वाली स्टीम आ रही है। तो अब चलिए आदि को सर्व करते हैं, और ध्यान से देखें इस बच्चे को जो कि खिचड़ी लवर बन के रह गया है एट ए टाइम, और उसने वहाँ पे चलाया हुआ है अपना सौरभ जोशी ब्लॉग्स, और यहाँ पे ये देखो कितना फोकस, कितने ध्यान से देखे जा रहा है ये बच्चा, सिर्फ बस सौरभ जोशी सौरभ जोशी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और दोपहर का टाइम हो चुका है, पूरे लंच की तैयारी हो चुकी है, तो मुझे लगा चलो एक बार सामने से आके कलर कर लिया जाए। तो आप सब कैसे हैं, ठंड से बच के रहिएगा, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि बच्चों की छुट्टियां भी ना बढ़ा दी गई है, और इकट्ठे तो नहीं हो पा रही हैं पर डे मैसेज आ ही जा रहा है। बल्कि मैं तो यही बोल रही थी, मैंने कहा इससे अच्छा तो इकट्ठी ही डल जाए तो अच्छा है, और अभी भी क्लाइमेट इशू चल ही रहे हैं। आप पीछे देखेंगे मतलब बैक साइड में हल्का उजाला हुआ है, धूप का कहीं नामो निशान नहीं है, और आज मैंने क्लिप ली है ऐसे लग रहा है जैसे बारिश हुई है, और इतना ज़्यादा फोक है कि सामने वाला घर भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो
नाश्ता, और जिनकी जॉब है उनके लिए तो क्या ठंड क्या बारिश कुछ नहीं, कुछ भी मैटर नहीं करता है, जाना है टाइम पे, पहुंचना है। उसमें से हमारे घर में भी है 7:50 स्कूल पहुंचना होता है तो पहुंचना ही होता है, और जब वो जाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि एक बंदा निकल के चले जाएगा, सब लोग जग ही जाते हैं। बस आदि का होता है कि हाँ आदि अभी लेटा रहे, और जितने भी वर्किंग हैं, मतलब मैं एक ही बात नहीं कर रही हूँ, जो भी वर्किंग है फेस तो उन्हें ही करना पड़ता है, सबके सबकी यही बात है। और चलिए तो बस लंच के लिए मैंने आपको बताया तैयारी हो चुकी है, मुझे कढ़ी जो रखी हुई है वो फ्राई करनी है, आलू गाजर मटर टमाटर ऐड करके मैंने बनाई है, आटा लगा दिया, चावल का आज कोई इशू नहीं मैंने रखा, ना मैं बना रही हूँ। और अद्विक भैया की तो क्या पूछो, अभी अभी मैं उन्हें वो खिचड़ी बोलता भी ऐसा ना खिचड़ी, तो वो खिचड़ी गर्म करके दे के आई हूँ, शाम को मुझे लग रहा है फिर बनानी ना पड़ जाए, क्योंकि आज तो थोड़ी अभी रखी हुई थी, मैंने सोचा चलो यही दे देती हूँ। उसने भी बोल दिया मम्मा यही फ्राई करके दे दो आप मुझे, फ्राई करके ही बोला, ये मत सोचेगा मैं बोल रही हूँ, उसने जो वर्ड्स बोले। और आजकल वो टीवी पे अभी लगा हुआ है, पता नहीं कौन सा अभी कोई और चेंज किया है, पहले सौरभ जोशी ही देखे जा रहा था। तो चलिए जो भी आज कुछ होता है मैं आगे आप सबको बताती हूँ। और एक चीज़ और बतानी थी, मेरा सच्ची में मतलब टेस्ट किया ना आज हमने नाश्ते में, पराठे और मिक्स जो वेजिटेबल अचार मैंने डाला हुआ है, इतना टेस्टी उठा है ना, जिसे बोलते हैं कि बहुत अच्छा बन के आया है, बस अभी थोड़ी मिर्च खड़ी है, नहीं गोभी और गाजर मस्त वाली हो रखी है, और वैसे तो बनता ही अच्छा है मैं ये भी बोलूँगी, लेकिन जब खाते हैं मतलब अपनी बनाई हुई चीज़ ऐसे खाओ ना और तारीफ सुनो तो बहुत अच्छा लगता है, और किस किस को अच्छा लगता है प्लीज़ बताइएगा। वैसे तो मैं बोल देती हूँ हाँ नहीं मुझे पता है अच्छा ही होगा, लेकिन अच्छा बना हुआ है रियल में, तो बने रहिए, आगे जो भी होता है मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। जानते ही देखिए ये है गन्ने का खेत प्रॉपर पूरा सुंदर सा, और ये देखिए आदि कहाँ पे आ चुका है और क्या कर रहा है मस्ती करते हुए, और ये प्रॉपर पूरा नई जगह, और ये यहाँ पे आराध्य और ये आप देख सकते हैं ये तीन क्यूट क्यूट बेबीज जो कि अपना डिनर कर रहे हैं, और डिनर में इन्होंने बनवाए हैं अब छोटी मैगी अद्विक की लैंग्वेज में, और इन्होंने अपनी प्यारी सी सिस्टर को दिया हुआ है अलग प्लेट, और वहाँ पे है उनकी अलग से प्लेट, और मैंने बोला उसकी वॉल्यूम स्लो कर दो, वो लगा हुआ है वहाँ पे पता नहीं कौन सा कार्टून देख रहे हैं ये, और अब आप गैस कर चुके होंगे हम कहाँ पे हैं, आइडिया लगाइए थोड़ा या गैस कीजिए। तो हम आए हुए हैं आदि के नानू के पास, और यहाँ पे ये राधिका है, वो देखो कैसे बैठा हुआ है आराध्य, और आदि सबसे ज़्यादा मस्त बीच में बैठे हुए अपना अपना डिनर इन्जॉय करते हुए। तो चलिए मैं भी डिनर कर चुकी हूँ, मैं इनको इनके लिए बस ये मैगी लास्ट में इन्होंने बोला ना हम ये जो बना हुआ है वो नहीं खाएंगे, तो हम लोगों के बना लिए बना हुआ था आलू मटर टमाटर और पत्ता गोभी की सब्जी, तो हमने वो सब खाया है। मैं उस टाइम पे क्लिप ही नहीं ले पाई क्योंकि बात करते करते मैंने डिनर किया, तो चलिए अभी बाद में इन्हें डिनर इन्जॉय करने देते हैं।
तो फ्रेंड डिनर वगैरह सब हो गया है और मैंने आदि को दिखाया भी आप लोगों को कि हाँ वो जवें खा रहा है। और आज ना डे में ही मे बी 2:30 इनके पास मैसेज आ गया था कि कल छुट्टी है फिर से, क्योंकि आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और 8th स्टैंडर्ड तक तो स्कूल थे ही, अब आज मतलब कल के लिए 12th तक पूरा क्लोज है, मतलब टीचर्स को आना है सिर्फ। तो फिर इन्होंने बोला चलो छुट्टी है, तो पापा जी की तबीयत थोड़ी ठीक है ही नहीं, मैंने आप लोगों को बताया कि पापा जी को देख के आ जा, तो फिर वो मतलब मुझे छोड़ने आ गए थे, मम्मी तो बल्कि घर पे भी नहीं थी, पापा से बोला और हम आ गए हैं। अभी हमारा ये आइडिया नहीं है कि हम रुकेंगे, मेरी बिंदी कहाँ जा रही है, हम रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, लेकिन हाँ हम पापा जी को देखने आ चुके हैं। और आद्य और राधिका सो चुके हैं, आदि बैठा हुआ है और हम यहाँ पे बेड पे ही बैठे हुए हैं इधर। तो चलिए अब मिलते हैं कल, कल किस चीज़ से शुरुआत होती है, क्या होता है, जैसा भी जो भी कुछ होगा मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। बाय बाय फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।